ऐसी दुनिया में दसीए, सारी दुनिया तक इतला पहुँचाइए। और इसलिए अल्लाह पाक ने दो जगह कुरान पाक सूरा हज भी किया, सूरा बकरा कट्ठा टुकड़ा, भाई जो तर्जमा उन शहीद का करना ना तुहानू दूजे लिए मनना पैण, लितकून साधारण नाथ। अल्लाह ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि मुसलमानों तुसी लोगों ते गवाह हो, भाई कून रसूल अलैकुम शहीदा ते रसूल तुहाडे ते गवाह हो, उम्मत हुण लोगों ते गवाह सारी दुनिया ते, मैं तुसी हाजर नाजर है गया को खुदा खाओगे रसूल के बारे जाना, रसूल तुहाडे ते गवाह तुसी लोगों ते गवाह। तर्जमा की है कि रसूल ने हक का ऐलान तुहाडे सामने करता, तुहानू दीन दिता पूरा पहुँचा, हुण तुहाडा काम है कि तुसी इस दुनिया नू कोने कोने तक पहुँचा दिओ। नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी तो फारग हो गए, हजूर ने अपने कंधे तो बोझ उतारता, जो अल्लाह ने दसिया सी एक शह भी नहीं उस आपने छुपाई दस गए, हुण फल बल्ले कि शाहिद गायबा। इस उम्मत का काम है कि जेडे लोग नहीं सी उस मैदान अरफात आपने आख्या पहुँचा दिओ। और मजमे च पुछया कि कल क्यामत दे दिन अल्लाह की अदालत मेरे बारे च खुदा ने तुहाडे को सवाल करना, पुछना कि रसूल ने दीन पहुँचाया, हुण इस मजमे च गल करो। हालांकि वेख लो आप दा हज्जत अलविदा होंदा ही तदे कि अल्लाह ताला ने इतलाह देती तुहाडा रुखसी सफर है, अगले साल तुसी इस उम्मत नहीं होना ना वेख सकना। आप जगह जगह से ऐलान कर देगा कि लोगो जो मेरे को दीन सीखना हज के तरीके सीख लो, शायद अगले साल तुसी मैनू ना मिल सको, हज्जत अलविदा होना। उस वक्त भी हाल है कि अल्लाह के रसूल ने पूछा कल क्यामत दिन मेरे बारे जो सवाल होया कि दीन मैं पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, हुण मेरे सामने दसो की जवाब दोगे। तो उम्मत ने हाथ उठा के आख्या अल्लाह के रसूल असीं गवाही देने कि तू खैर खाई का हक अदा करता, दीन का कोई मसला छुपया ना रह गया, दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला ने भी आसमान के दरवाजे खोल के जिब्रील अलैहि सलाम ने उतारिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैं दीन मुकम्मल करता और नेमत पूरी हो गई। अल्लाह के रसूल ने फिर मेरे भरा दोस्त तीन बारी आसमान में हाथ उठा के आख्या अल्लाहुम्मा शहद अल्लाह तू गवाह हो जा, मैं इकरार इन्हों को ले लिया, मेरा हुण कोई कसूर नहीं लिया, कल क्यामत दिन कहने वाला कोई नहीं, बिरसूर नहीं मसला दस के गया, गाए भुगतनगे तो इन्हों की नसलों भुगतनिया। नाल ऐलान फरमाता के लोगों तक पहुँचाओ, वो गवाही असी छड़ दी, हाजर नाजर के तर्जमान भज पै। अल्लाह ने आख्या रसूल तुहाडे ते गवाह है, जो काम उन्हें करना सी दीन दस गया, हक की गवाही देती, जरा जरा समझाता, गां दुनिया की उम्मत तक पहुँचाओ। और एडा लम्मा काम सी बे सारी उम्र भी असी खर्च कर देंगे, सारी उम्र उम्मत लगी रही तो असी पेटी नहीं खोल सकते, सानू छुट्टी नहीं मिल सकी, ता ना खेजत बांगे हक अदाल में गर मुसलमानी ने आस आई। इकबाल आंदा जे मुसलमान है तू तो जिन्ना चिर तक मशरक मगरब तो हक का आवाजा नहीं बुलंद होंदा दुनिया च लजूदे रौला दीन कुल है, सारे दीन मकलूब नहीं होंगे इस्लाम गरब नहीं, उन्होंने चिर तुम्हें छुट्टी मिलती है। मगर उस काम को छड के हाजर नाजर तर्जमे कर लै, ना अपनी गवाही का फिक्र रहा कि उम्मत ने जी गवाही दे कितने गई, सिर्फ ये खत्म खा लो तो अपने हलवे मांडे खा लो काम मुक गया। अल्लाह आंदा रसूल ने जरा काम किया सलात सलाम हक की गवाही दी है, हक का ऐलान किया और तुहाडे तो इकरार लिया है, हाँ अल्लाह के रसूल ने सारा कुछ सानू दसता कल इस गल पहुँचा। और ऐलान एडा वड्डा हजरत सईदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु यहूदी आलम ने आख्या कि उमर तुहाडी किताब च अल्लाह ने तुहाडे नबी च कैसी ऐत उतारी है, जे वह मूसा अलैहि सलाम ते उतरी होंगी तो असीं उस दिन ईद का दिन मना कर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया असीं मसनूई ईदा नहीं मनाते, उंज यहूदी मैनू चंगी तरह पता भी उस दिन किहड़ा सी ते ऐत कदों उतरी है, उस दिन साड़ियां दो ईदां जमा सी, मैदान अरफात हज का भी सब तो वड्डा दिन सी और उस दिन जुमा भी सी, अल्लाह ने रसूला का हज उस दिन जुमे वाले दिन लिया, इस तो जुमा और मैदान अरफात का वकूफ दो कर जमा हो गया। उस दिन ऐलान होया कि दीन मुकम्मल हो गया, तो रसूला ने पूछ लिया कि पहुँचाता, यह वो गवाही है जी अल्लाह पाक फरमाउंदा कि रसूल नूं गवाह बना के भेज जो दुनिया के सामने उस हक का ऐलान कर दे जिहड़ा अल्लाह ताला ने दस्या। और हर पैगंबर अपने जमाने करता रहा, तदे अल्लाह पाक ने